So hello student, today we are going to start our second chapter of ICSC class 9th geography, and the name of the chapter is latitudes and longitudes. And we have already completed our first chapter, and in this channel you will get full syllabus of your geography, that is of class 9th ICSC. So if you have not subscribed our channel, so just subscribe it and get all the videos of your geography book. Okay, so aaj hum start karne ja rahe hain dusra chapter, latitudes or longitudes. तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में यानी कि पिछले चैप्टर में हमने जाना कि हमारा अर्थ जो है पूरी तरह से स्फीयर नहीं है, पूरी तरह से गोल नहीं है. वो थोड़ा सा कैसा टाइप का है, थोड़ा सा ऑरेंज शेप का है, जिसे हम जियोड शेप कहते हैं, राइट. कुछ इस तरह का शेप का हमारा अर्थ, कुछ इस तरह का शेप का है. यानी कि जो पोलर साइड है, पोलर साइड थोड़ा सा फ्लैटेन है, और इक्वेटोरियल साइड कैसा है, थोड़ा सा बल्ज है. और अगर हम इसकी सर्कमफेरेंस की बात करें, अगर हम इसकी सर्कमफेरेंस, आपको पता है सर्कमफेरेंस कैसे कहते हैं, पूरी इस तरह का जो आउटर हम कह सकते हैं कि पेरीमीटर इस अर्थ का, तो ये कुछ 40,075 किलोमीटर का है. तो अगर हम अर्थ का पेरीमीटर की बात करें, यानी कि सर्कमफेरेंस की अगर हम बात करें, तो ये है आपका 40,075. लमसम में हम कह सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं इसे कितना, 40,000 किलोमीटर. ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमारा जो अर्थ है वो पूरी तरह से स्फीयर नहीं है, पूरी तरह से गोल नहीं है, ये थोड़ा सा जियोड शेप का है, यानी कि फ्लैटेंड है टुवर्ड्स द पोलर साइड, बोथ फ्रॉम द बोथ पोलर साइड, देन थोड़ा सा बल्ज है, थोड़ा सा खुला हुआ है इक्वेटोरियल साइड में. और अगर हम इसकी सर्कमफेरेंस की बात करें, तो वो कितना है, सर्कमफेरेंस मतलब ये पार्ट, आप जानते हो सर्कमफेरेंस किसे कहते हैं, 40,075 किलोमीटर, और अप्रोक्स में हम लोग कह सकते हैं 40,000, ठीक है, 40,000 किलोमीटर का है. तो हमारा जो अर्थ है ना गाइस, ठीक है, तो कुछ इस सब का है, इस शेप का है, राउंड है, ये तो आपको पता है. तो आपने देखा होगा हमारा जो अर्थ से एक मेन लेटीट्यूड, जिसे तो आपने देखा होगा हमारा अर्थ से, अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन जाती है जो कि जीरो डिग्री के होते हैं. इसे हम बाद में देख जान लेंगे ये डिग्री क्या है. जो जीरो डिग्री के होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम इक्वेटर कहते हैं. क्या कहते हैं, इक्वेटर, दो कैपिटल लेटर में हो गया, फिर भी आप सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं. तो ये इक्वेटर कहते हैं. इक्वेटर से जो ऊपरी वाले पार्ट होते हैं उसे हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. कौन सा हेमिस्फीयर, इसे हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, ठीक है. और इक्वेटर से नीचे वाली पार्ट, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर. कौन सी हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, आपको याद रखना है. तो इक्वेटर क्या करती है, ये जो जीरो डिग्री वाली लाइन है ये इक्वेटर है. और इक्वेटर क्या करती है, इक्वेटर हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, उसको दो भाग में डिवाइड करती है. इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर से नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर. और इक्वेटर की जो डिग्री जो होती है वो जीरो डिग्री की होती है, ठीक है, फिलहाल के लिए आप इतना जान लीजिए. और एक और लाइन होती है जो कि ऊपर से आती है, ये तो हो गया आप जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन. और एक और आती है वर्टिकल लाइन, यानी कि ऊपर से जो एक लाइन आती है इसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं. क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन, ठीक है, प्राइम मेरिडियन. और ये जीरो डिग्री की होती है, ये भी जीरो डिग्री की होती है, ठीक है, ठीक है, ये जीरो डिग्री की होती है ये भी. तो इस प्राइम मेरिडियन से राइट साइड, ठीक है, इसे मैं मिटा देता हूं, इस प्राइम मेरिडियन से राइट साइड वाले इलाका, यानी कि ये रीजन, ठीक है, ये रीजन जो है इसे हम कहते हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर. क्या कहते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है. और इस रीजन वाली यानी कि ये प्राइम मेरिडियन लाइन है, इससे इस साइड वाली एरिया को हम कहते हैं वेस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है. तो अब यहां पर एक सवाल आता है कि हमारा अर्थ कितने हेमिस्फीयर में बटा हुआ है. तो आप कह सकते हो कि हमारा अर्थ जो है चार हेमिस्फीयर में बटा हुआ है. कितने हेमिस्फीयर में, चार हेमिस्फीयर में बटा हुआ है. एक है आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो कि इक्वेटर से ऊपर, दूसरा है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर जो कि इक्वेटर से नीचे, और एक है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर यानी कि जो प्राइम मेरिडियन, ये लाइन को क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहते हैं. प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में जितने भी इलाका है उसे हम ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहते हैं.
और इसके वेस्ट साइड में यानी कि इस साइड हम इसे वेस्टर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। तो यानी कि इससे क्या पता चलता है बच्चों, इससे ये पता चलता है कि हमारा अर्थ जो है चार हेमिस्फेयर में बटा हुआ है। अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर इसे दो हेमिस्फेयर में बांटता है और प्राइम मेरिडियन इसे भी प्राइम मेरिडियन भी इसे दो हेमिस्फेयर में बांटता है, एक ईस्टर्न हेमिस्फेयर दूसरा वेस्टर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, तो चलिए बच्चों आप आगे बढ़ते हैं। बच्चों आपने देखा होगा ग्लोब, तो आपने देखा होगा आपके स्कूल में होंगे ग्लोब में आपने देखा होगा कुछ इस तरह के लाइंस होते हैं, जैसे कि ये मान लीजिए ये एक लाइन इस तरह से, इस तरह के बहुत सारे लाइंस होते हैं जो लेटी हुई होते हैं इस तरह से। उसके बाद कुछ लाइंस इस तरह के भी होते हैं, ठीक है, जो अर्थ में बने होते, और ये सारे जो है ना ये सारे इमेजरी लाइन है। इमेजरी लाइन का मतलब क्या होता है कि ऐसे लाइन एक्चुअल में है नहीं, इसे हम इमेज करके हम लोगों ने बनाया है, इंसानों ने बनाया है, ऐसा कोई लाइन होता नहीं है एक्चुअल में अर्थ में, लेकिन इसे हम इमेज करके इंसानों ने बनाया है इसीलिए इसे इमेजिनरी लाइन कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा आपको आपका ग्लोब पर। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम दोनों को मिला के जो यहाँ पर एक नेटवर्क बन रहा है ना, इसे ये जाली की तरह जो बन रहा है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अर्थ ग्रिड। क्या कहते हैं, अर्थ ग्रिड, यानी कि अर्थ का ग्रिड। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं बच्चों आपको, तो अगर इस तरह का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इस तरह का लाइन को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और इस तरह का लाइन जो खड़ी है ना इसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन मिलके जो एक तरह का नेट बनता है, नेट का तरह, इसीलिए इसे नेटवर्क कहा गया, नेट का तरह एक नेटवर्क बनता है यानी कि ऐसा बनता है नेट का जैसा, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रिड कहते हैं। अब यही ग्रिड अर्थ पर बना है तो इसे हम क्या कहेंगे, अर्थ ग्रिड कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, अर्थ ग्रिड है। अब ये अर्थ ग्रिड किससे बना है, जैसे कि मैंने आपको कहा अर्थ ग्रिड बना है दो तरह के लाइन से, एक है आपका जो इस तरह से लेटी हुई है यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन, और दूसरी है आपका इस तरह से वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो इन लाइंस के भी कुछ नाम होते हैं, वो क्या नाम होते हैं आपको पता होगा, बोलिए। हाँ वही, यस बिल्कुल सही, लॉन्गिट्यूड एंड लेटिट्यूड। ठीक है, या फिर कहिए लेटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो यहां पर इस तरह की जो लेटी हुई लाइन है ना, लेटी हुई लाइन है, इसीलिए ये है लेटिट्यूड्स। क्या है, लेटिट्यूड्स। ठीक है, सो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है, जो लेटी हुई लाइन होती है ना, उसे हम लेटिट्यूड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटिट्यूड्स कहते हैं। उसके बाद जो ये खड़ी हुई लाइन, यानी कि हम इसे वर्टिकल लाइन भी कह सकते हैं, ये जो वर्टिकल लाइंस जो होते हैं यानी कि ऊपर से नीचे, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो मैं फिर ऐसे आपको बता दूं, लेटिट्यूड कैसी लाइन, लेटी हुई लाइन, देखो ये लेटी हुई है, लेटी हुई है, लेटी हुई है, लेटी हुई है, तो लेटी हुई लाइंस लेटिट्यूड, जो खड़ी है वो लाइंस है लॉन्गिट्यूड्स। ओके, तो लेटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मिलके जो नेटवर्क बनाती है, तो हम क्या कह सकते हैं अर्थ ग्रिड के बारे में, अर्थ ग्रिड के बारे में हम ये कह सकते हैं कि लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलके जो नेटवर्क बनाती है, जो नेट बनाती है, उसे हम अर्थ ग्रिड कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थ ग्रिड। ठीक है, और इसे ग्रेटिट्यूड भी कहा जाता है, लेकिन फिलहाल आप जान लीजिए इसे क्या कहते हैं, अर्थ ग्रिड कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने जाना कि अर्थ ग्रिड किससे बने होते हैं, दो तरह के लाइन से बने होते हैं, लेटिट्यूड्स जो लेटी हुई लाइन होती है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम लेटिट्यूड कहते हैं, और दूसरा लाइन जो है वो लॉन्गिट्यूड जो कि खड़ी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम आगे देखेंगे। तो चलिए बच्चों विस्तार से देखते हैं लेटिट्यूड क्या होता है। ठीक है, लेटिट्यूड के बारे में जानेंगे। सो लेटिट्यूड जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है, जैसे कि मैंने आपको बताया एक इमेजिनरी लाइन है जो कि अर्थ पर बने होते हैं, और जिसे हम जो कि अर्थ पर बने होते हैं, और कैसे होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं। आपने देखा होगा जैसे कि मैंने आपको कहा, आपने देखा होगा ग्लोब पर तो इस तरह के हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, लेटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, और लेटिट्यूड कैसे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल। तो जितने भी लेटिट्यूड्स हैं ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं, लेटी हुई होती है, देख सकते हो आप ये लेटी हुई है हॉरिजॉन्टल, इसे अंग्रेजी में हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं इस तरह के लाइंस को।
तो हिंदी में अगर आपको लेटीट्यूड को याद रखना है तो लेटी हुई लाइन लेटीट्यूड, सो लेटी हुई है ये, लेटी हुई है, लेटी हुई है, सो सारे के सारे जो हॉरिजेंटल लाइंस है वो उसे हम लेटीट्यूड कहते हैं, और वो एक दूसरे के कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। कैसे होते हैं? पैरेलल होते हैं। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, पैरेलल आर दोस लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर ना, सो ऐसे लाइंस है तो इसे हम क्या कहते हैं, लेटीट्यूड कहते हैं। और ये कैसे लाइंस है? इमेजिनरी लाइंस है। इमेजिनरी लाइंस मतलब एक्चुअल में ऐसा लाइंस होता नहीं है, ठीक है, ऐसे लाइंस होता नहीं है या फिर होते नहीं है अर्थ पर, लेकिन हम इमेज करके यानी कि हमने इमेजिनेशन से हमने खुद इसे बनाया है हमारे अर्थ का ऊपर या फिर हमारा ग्लोब पर, ताकि इसे हम हमारे ज्योग्राफी को, अर्थ के ज्योग्राफी को स्टडी हम इजीली कर सके। और यहाँ पर बाद में जानेंगे हम किस किस तरह के इसका यूजेस होता है, वो हम बाद में जानेंगे। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जो जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं अर्थ पर या फिर ग्लोब पर या फिर मैप पर, उसे हम क्या कहते हैं, लेटिट्यूड कहते हैं। और वो कैसे होते हैं? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। इसीलिए इसीलिए लेटिट्यूड का दूसरा नाम पैरेलल ऑफ लेटिट्यूड्स भी कहा जाता है, पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पर? आपको याद रखना है कि लेटिट्यूड्स आर इमेजिनरी लाइन एंड दे आर हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर एंड देन सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड्स, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो जो सबसे मिडिल वाली जो लेटिट्यूड होती है ना, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, अर्थ की जो सबसे मिडिल वाली जो लैटिट्यूड होते हैं जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, उसके जो डिग्री जो होती है वो कितने होते हैं, 0 डिग्री का होता है ये, और ये सबसे लंबा होता है, सबसे लंबा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्वेटर। सो अगर आपको पूछा जाता है क्वेश्चन में, एग्जाम में या फिर कहीं भी, नेम द लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट लेटिट्यूड ऑफ द वर्ल्ड और ऑफ द अर्थ, देन दैट इज इक्वेटर। सो इक्वेटर जो होती है वो सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी होती है लेटिट्यूड की, जो सबसे लंबी लाइन जो होती है वो इक्वेटर होती है। और इक्वेटर से जैसे आप पोलर साइड जाओगे, नॉर्थ पोल के साइड जाओ और या फिर साउथ पोल के साइड जाओ, जैसे जैसे आप पोलर साइड जाओगे तो जो इक्वेटर का जो लेंथ है ना वो आपको छोटा मिलेगा, यानी घटता ही जाएगा। जैसे कि आप ऊपर जाओगे तो यहाँ पर ये जो हमारा लेटिट्यूड है ये देख सकते हो आप, इससे छोटा है। फर्दर आप और ऊपर जाओगे ये लेन लाइन जो है इससे छोटा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इक्वेटर से पोलर रीजन में जाओगे, साउथ की ओर जाओ, नॉर्थ की ओर जाओ या फिर साउथ की ओर, जैसे कि मैंने बताया ये आपका साउदर्न हेमिस्फीयर, नीचे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सॉरी साउदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर वाली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो जैसे जैसे आप पोलर साइड जाओगे, पोलर साइड मतलब ये है आपका साउथ पोल और ये आपका नॉर्थ पोल, तो इक्वेटर से जैसे जैसे आप पोलर साइड आओगे, पोलर की तरफ जाओगे, तो आपका जो लेटिट्यूड का जो लेंथ है वो क्या होगा, वो घटता जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे आप पोलर साइड से इक्वेटर की तरफ जाओगे तो आपका लेटिट्यूड का जो लाइन लेंथ है वो बढ़ता जाएगा। तो इससे आप यही कह सकते हो कि इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट लेटिट्यूड ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का जो अर्थ का जो सबसे लंबा लेटिट्यूड कौन सा है, वो इक्वेटर है, जो कि 0 डिग्री का होता है, ठीक है। और ये क्या करती है, मैंने आपको बताया इक्वेटर क्या करती है, हमारा अर्थ को दो इक्वल भाग में डिवाइड करती है, ऊपर वाली भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाली भाग सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। उसके अलावा आगे क्या है, आगे अब ये जो हमारी इक्वेटर जो है ना, इक्वेटर जो है सबसे लंबा है, यानी कि ये जो है सबसे लंबी होती है, और इसे कहा जाता है ग्रेट सर्कल, क्या कहा जाता है, ग्रेट सर्कल। सो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि इक्वेटर का दूसरा नाम ग्रेट सर्कल भी है। तो अगर आपको कभी पूछा जाए कि राइट अब नोट्स ऑन ग्रेट सर्कल और व्हाट इज ग्रेट सर्कल, तो आपको बताना है ग्रेट सर्कल इज इक्वेटर। अब यहां पर ग्रेट सर्कल, इसे सर्कल क्यों कहा गया है आपको पता होगा, सर्कल क्यों कहा, क्योंकि जो ये जितने भी लेटिट्यूड्स होते हैं ना वो ऐसे एक लाइन से नहीं होते, ये घूमे होते हैं इस तरह से ना, चारों तरफ से कुछ इस तरह से अर्थ के चारों ओर घूमे हुए होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको सर्कल कहा गया। आप क्या कीजिए, आप अपना ग्लोब ले लीजिए और ग्लोब को आप घुमा के देखिए, आपको पता चल जाएगा वो कैसी इस तरह से घूमी हुई होती है, ठीक है, इस तरह से घूमी हुई होती है, इसीलिए इसे सर्कल कहा गया। अब ये देखने में ऐसा दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है एक्चुअली, ये ऐसे पीछे से घुमा हुआ है, ये भी ऐसे गया यूं घुमा हुआ है, ये गया यूं घुमा हुआ है, तो इसे इक्वेटर को क्या कहा जाता है, ग्रेट सर्कल कहा जाता है, ग्रेट सर्कल, ठीक। तो
तो बच्चों आप सवाल आता है कि ये जो लेटिट्यूड्स होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो आपको पता है हमारा ये अर्थ है, तो जो सबसे बड़ी वाली लेटिट्यूड जो होती है यानी कि सबसे लंबी जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं, जो कि कितने डिग्री के होते हैं, 0 डिग्री के होते हैं। और इसी का दूसरा नाम क्या है, ग्रेट सर्कल है, ठीक है। अब इस ग्रेट सर्कल से यानी कि इक्वेटर से ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, इक्वेटर से नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है। सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर ऊपर यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर कुल 90 क्या होंगे, लेटिट्यूड्स होंगे, 90 डिग्री के लेटिट्यूड्स होंगे, यानी कि 90 लेटिट्यूड्स होंगे। और नीचे यानी कि इक्वेटर से नीचे यानी कि सदर्न हेमिस्फीयर में कुल 90 लेटिट्यूड्स होंगे। सो आप कह सकते हो टोटल मिलाकर 90 प्लस 90 कितना हुआ, 180 लेटिट्यूड्स होते हैं। टोटल कितने लेटिट्यूड होते हैं, 180, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। तो मान लीजिए ये 0 डिग्री है, यहां से मान लीजिए नहीं ये 0 डिग्री का है, तो इससे ऊपर क्या आएगा, 0 के बाद क्या आएगा, 1 डिग्री। तो यहां पर 1 डिग्री, ये एक और लेटिट्यूड आया कितना डिग्री का, 1 डिग्री का, ठीक है। अब ये आप देख सकते हो ये किस हेमिस्फीयर पर पड़ रहा है आपका, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पड़ रहा है, तो हम इसे लिखेंगे 1 डिग्री नॉर्थ, यहां पर भी 1 डिग्री नॉर्थ एन लगा देंगे। अब उसी तरह से ऊपर दूसरा आएगा 2 डिग्री, 2 डिग्री नॉर्थ और 2 डिग्री नॉर्थ, उसी तरह से 3 डिग्री, 3 डिग्री नॉर्थ, इधर भी 3 डिग्री नॉर्थ। तो इसी तरह से ऊपर तक कितनी जाएगी, 90 जाएगी, कितनी जाएगी, 90 ऊपर ऊपर, यहां पर कितनी जाएगी, ये रीजन, ये हो जाएगी आपकी 90, ठीक है, ऊपर 90 तक जाएगी। अब उसी तरह से आइए यहां पर सदर्न हेमिस्फीयर में, तो ये पहली वाली जो होगी वो 1 डिग्री साउथ। आप इसमें साउथ क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये सदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, 1 डिग्री साउथ। फिर दूसरा आपका आएगा 2 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ। सो इसी तरह से चलते रहेगा और नीचे कितना आ गया, 90 डिग्री साउथ, ठीक है। तो कुल मिला के 180 लेटिट्यूड्स होते हैं। और एक लेटिट्यूड्स का बीच में, सॉरी, दो लेटिट्यूड्स के बीच में कितने डिस्टेंस होते हैं। सो अगर हम अर्थ की बात करें तो दो लेटिट्यूड्स के बीच में 111 किलोमीटर के डिफरेंस होते हैं, यानी कि ये 0 से 1 डिग्री का जो डिस्टेंस होगा वो 111 किलोमीटर का होगा, 1 से 2 डिग्री का जो डिस्टेंस होगा वो 111 किलोमीटर का होगा, उसी तरह से 2 से जो 3 डिग्री का डिस्टेंस होगा, ठीक है, वो कितना डिग्री का होगा, ये भी आपका 111 किलोमीटर का ही होगा, यानी कि हर एक डिग्री 111 किलोमीटर का डिफरेंस का होगा, ठीक है। कैसे होगा, क्या होगा, आगे हम लेक्चर में देखेंगे। और आगे जैसे कि मैंने आपको बताया, फ्रॉम इक्वेटर टुवार्ड्स द पोल द लेंथ ऑफ द इक्वेटर डिक्रीजेस, और यू कैन से द रेडियस ऑफ द इक्वेटर इज, सॉरी, लेटिट्यूड डिक्रीजेस। सिमिलरली हियर इफ यू सी साउथ साउथ फ्रॉम द इक्वेटर ऑल्सो द लेंथ ऑफ दिस लेटिट्यूड डिक्रीजेस और द रेडियस ऑफ द लेटिट्यूड डिक्रीजेस। ओके, अब आता है कि हम लेटिट्यूड को कैसे स्टडी कर सकते हैं, हाउ कैन वी स्टडी और हाउ कैन वी रीड द लेटिट्यूड। सो लेटिट्यूड को रीड कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसे हम पढ़ेंगे 1 डिग्री नॉर्थ, इसे पढ़ेंगे 2 डिग्री नॉर्थ, इसे पढ़ेंगे 3 डिग्री नॉर्थ, और नीचे अगर हो साउथ में हो तो 1 डिग्री साउथ, 2 डिग्री साउथ, 3 डिग्री साउथ, सो ऑन, ठीक है। और कभी कभी आपको ऐसा भी मिलता है जैसे कि 23 डिग्री, मान लीजिए 30, इस तरह का। सो आप इसे कैसे रीड करेंगे, आप रीड करेंगे 23 डिग्री 30 मिनट, अगर आपको कुछ इस तरह से मिल गया, मान लीजिए, सो 23 डिग्री 30 मिनट 45 सेकेंड, सो कुछ इस तरह से आपको रीड करना है, आपको किसे, लेटिट्यूड का डिग्री को, ठीक है, या फिर कहिए लेटिट्यूड को। आगे बढ़ते हैं, आप